गायब हो गया कहीं हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज द हेड ऑफ सर्विसेज चीफ्स उसके पास है, वो उसने भेजा हुआ है आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। एक हमने फिर फॉरेन ऑफिस से लेके हमने स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली भेजा था, उसने सारों को ऑफर किया ऑपोजिशन को कि आपको दिखाना चाहते हैं कि ये है या साइफर या नहीं है, ये तो डिनाई कर रहे थे। और फिर वो जो साइफर था वो भी चीफ जस्टिस को भेजा स्पीकर को, तो साइफर तो अवेलेबल है, हम सिर्फ उसको पब्लिक, हमने पब्लिक इसलिए नहीं किया कि वो सीक्रेट कोड होती है, जैसे आप उसको पब्लिक करते हैं तो आपकी जो फॉरेन ऑफिस की सीक्रेट कोड है वो आम हो जाती है, इसलिए हम नहीं करते। लेकिन मिनट्स ऑफ द कैबिनेट मीटिंग में सब कुछ लिखा हुआ। अच्छा, थोड़ा सा साइफर के कंटेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से बहुत सारी जो कॉन्ट्रोवर्सीज है जन्म लेती है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहली आपकी ऑडियो लीक है उसमें आप कह रहे हैं कि इस साइफर से हमने खेलना है, ऑब्वियसली जो खेलने का लफ्ज है जिसको सियासी तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब आप कहते हैं कि इस चीज से खेलना है तो ऐसा लगता है कि जैसे आप इसको शायद एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या इसको पॉलिटिकल स्पिन करना चाहते हैं, खेलने से क्या मतलब है इसमें? देखिए, जब आप टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे हैं कि हमने अब इसे किस तरह यूज करना, क्योंकि यूज तो हमने करना था। देखिए, जो उनके सामने जो चीज, मैं हैरान होता हूं कि हम अपनी कौमी गैरत कितनी खो बैठे, कितनी शर्म की बात कि बाहर का अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अम्बेसडर मुल्क क्यों कह रहा है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस मोशन फायर कर दो, ये तो सबर नहीं कोई कर सकता। और एम्बेसडर से देखे उस साइफर में क्या एम्बेसडर कहता है, असद मुझे, और मैं दाद देता हूं असद मुझे, उसने कहा एंड में लिखा हुआ साइफर के कि अमेरिकन्स को हमें डिमार्श करना चाहिए, कि उन्होंने लिखा कैसे जरूरत पड़ गई कि वो मुझे कह रहा है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा। ये आउटरेज है, ये तो सबर नहीं कोई कर सकता कोई मुल्क कि आपके एम्बेसडर मेरे नीचे हैं और मेरे एम्बेसडर के प्राइम मिनिस्टर को हटा, ये इतनी खौफनाक चीज थी। यानी मैं तो समझता हूँ कि हमने बड़ा रिस्ट्रेन शो की, क्योंकि हमें अमेरिकन से ताल्लुकात भी खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद हम अमेरिकन को बताना चाहते थे कि ये जो आपने किया ये कैसे आपके ऑफिशियल की जरूरत होगी ये करने। और भी कुछ इसी लेटर, जो पहली ऑडियो चूंकि वो आपने सुनी है उसमें से मैं कोट करती हूँ, आजम खान साहब उसके अंदर कह रहे हैं कि मिनट्स ऑफ मीटिंग तो मेरे हाथ में है ना, इसमें हम तजिया करके उसको डाल के हम कर देंगे, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग मेरे हाथ में है, इससे लगता है कि जो भी उसके लिखा हुआ है वो आप रिकॉर्ड पे लाना तो चाहते हैं, लेकिन जब मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हाथ में, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं उसको जो भी इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं जो भी लिख रहे हैं, ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही इस कंट्रोवर्सी। बात यह कि साइफर एग्जिस्ट करता है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वो चीफ जस्टिस के पास है, वो कौमी असेंबली के स्पीकर ने सारी असेंबली को दिखाया और उसने चीफ जस्टिस को भेजा, प्रेसिडेंट ने देखा हुआ है, आर्मी चीफ ने देखा हुआ है, वो हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा है। फिर दूसरी जब शहबाज शरीफ ने जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बुलाई तो उन्होंने क्यों इंडोर्स किया, फिर उन्होंने असद जमेका जो अम्बेसडर को बुलाया, अम्बेसडर ने कहा कि सारे कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, इसमें तो डिबेट ही कोई नहीं है। यानी इस मुझे तो ये इतने बेवकूफ है, ये जो इतने डेस्परेट है ये इंपोर्टेड लॉट, ये इनको समझ नहीं आ रही कि ये अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्योंकि साइफर एग्जिस्ट करता है, उस साइफर में सारी चीजें जो लिखी हुई है वो इनकी इंडाइटमेंट है। वो कह रहा है कि अगर आप इमरान खान को हटा देंगे तो हम माफ कर देंगे, मतलब कि इनके साथ साजिश तो इनके साथ कर रहे थे, इसका मतलब कि वो ये कह रहे हैं अगर ये आ जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। अदर वर्ड्स, ये उनकी पैदावार है, ये उनकी साजिश है, ये जो ये बैठे हुए हैं आज जो